Morning to all the students. कैसे हैं आप सब? I hope you all are well. So today we will start our topic with the electronic configuration of atom. So what is electronic configuration? The distribution of electron in different orbitals is known as electronic configuration of atom. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्बिटल के अंदर, इस कंसेप्ट को बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम. और ये जो कंसेप्ट है, ये इस कंसेप्ट की डिटेल स्टडी करने के लिए वी हैव थ्री प्रिंसिपल्स. द फर्स्ट वन इज हाफ पावर प्रिंसिपल, सेकेंड वन इज पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, एंड द थर्ड वन इज हंट्स रूल. मीन्स दिस इज कॉल्ड हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी. सो फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द कंसेप्ट दैट इज हाफ पावर प्रिंसिपल. प्रिंसिपल इज हाफ पावर प्रिंसिपल. So according to Hubbard's principle, in the ground state of atoms, the orbitals are filled in order of their increasing energy. So means, इस concept को समझाने के लिए मैंने यहाँ एक table design करी है. आप देखिए, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f. ये जो s, p, d, f हैं, these are the orbital. ये आपको ऑलरेडी पता चल गया है जब मैंने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिस्कस किया था. तो ये s, p, d, f और इनके नाम भी आपको एक्सप्लेन किए थे, स्फेरिकल, p प्रिंसिपल, d डिफ्यूज एंड f फंडामेंटल. तो ये जितने भी हमारे, या मैंने आपको सबशेल्स बनाकर दिखाए हैं, तो इनको मैं एनर्जी, इनमें ये जितने भी ऑर्बिटल है, और आपको मैंने ये भी ऑलरेडी बता दिया है, जो एक ऑर्बिटल होता है, जो s ऑर्बिटल होता है, उसकी रिप्रेजेंटेशन ये होती है. p ऑर्बिटल होता है, इसकी रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से होती है. जो d होता है, ये फाइव बॉक्सेस बनाकर हम डी ऑर्बिटल की वो प्रेजेंटेशन शो करते हैं. तो आपको ये पता होना चाहिए. तो हाफ पावर प्रिंसिपल ये कहता है, जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं ना, इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल किए जाते हैं. अगर ये एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट मान के चलिए, एक्चुअली में तो एटम कंटेन वो मैटर कंटेन एन एटम, एंड एटम कंटेन एन न्यूक्लियस, एंड न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी है वो हमारी ऑर्बिटल्स है. बट ये जो ऑर्बिटल्स है, अगर मैं थियोरटिकली एक्सप्लेन करूं, तो ऑर्बिटल्स को मैंने चार पार्ट्स में लिया है, जैसे चार टाइप्स कंसिडर करें हैं, एस, पी, डी, एफ. तो जो एस ऑर्बिटल होता है, उसको हमने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की हेल्प से एक्सप्लेन किया था. एस ऑर्बिटल कंटेन वन ऑर्बिटल, एंड द पी ऑर्बिटल हैज थ्री, पी और पी जो हमारा सबशेल है, दैट कंटेन वी कैन से दैट द थ्री ऑर्बिटल इन विच पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड. ये बातें ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं. तो आपको अभी मैंने आपको ये बताया ना बेटा, हाफ पावर प्रिंसिपल ये कहता है, ये एक एनर्जी लेवल डायग्राम है सबशेल्स का. आपको पता है शेल के अंदर सबशेल होते हैं, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था. तो अब आपने क्या देखना है, इलेक्ट्रॉन कैसे फिल किए जाते हैं. तो अकॉर्डिंग टू हाफ पावर प्रिंसिपल, इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम्स, द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी. कैसे, ये जो मैंने कुछ आपको सबशेल्स रिप्रेजेंट करे हैं यहाँ पर, तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग मैं आपको बता रही हूँ, इलेक्ट्रॉन किस तरीके से फिल किए जाएंगे. तो इलेक्ट्रॉन को फिल करने का ये तरीका रहेगा बेटा, पहले आप इस चार्ट को बना लेंगे, उसके बाद इस तरह की आप ये लाइन रिप्रेजेंट करेंगे ताकि आपको याद हो जाए. उसके बाद इलेक्ट्रॉन फर्स्ट जो जाएगा, पहला जो हमारा सबशेल होगा 1s, उसके अंदर जाता है इलेक्ट्रॉन, तो 1s, देन इलेक्ट्रॉन मूव टू 2s, उसके बाद इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है 2p में, फिर 3s, 3p, 4s, फिर 4d, 4p, 5s, फिर 4d, 5p, 6s, फिर 4f, 5d, 6p, 7s, फिर जा रहा है 5p, 6d और 7p. ये इलेक्ट्रॉन को फिल करने का तरीका होता है कि हाउ टू फिल द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करना है हमने. अब आप लोगों ने जो प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था, प्रीवियस क्लासेस में आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कंसेप्ट को कैसे समझते थे, आप समझते थे के एल एम एन की फॉर्म में. तो आपको याद रहता था 2, 8, 1, 2, 8, 2, 8, 8, है ना, 2, 8, 18, इस तरह के कंसेप्ट आप 10th क्लास से पढ़कर आए हुए हैं. बट अब आपने ये कंसेप्ट फॉलो करना है इलेक्ट्रॉन को फिल करने का, फ्रॉम लो एनर्जी लेवल टू हाई एनर्जी लेवल. तो 1s है, फ्रॉम वन लो एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करेंगे अप टू हाई एनर्जी लेवल. तो इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल को फिल करना शुरू करेंगे इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी तक हम चले जाएंगे. तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं. दिस इज द कंसेप्ट ऑफ हाफ पावर प्रिंसिपल. अब ये जो कंसेप्ट है हाफ पावर प्रिंसिपल का, इस कंसेप्ट में अब ऐसा पूछा गया, सपोज कि अगर कि 2p के बाद 3s क्यों भरेंगे भाई, 3s के बाद 3p, फिर 3p के बाद 4s भरेंगे, 3d पहले क्यों नहीं भरेंगे. तो इस कंसेप्ट को भाई हमने ये देख रहे हैं, अगर हमने पहले सपोज 1s भरना, ठीक है, 2s भरा, फिर हमने फिल किया 2p, 2p के बाद आ रहा है 3s पे, ठीक है, थर्ड शेल पे, फिर आ रहा है 3p पे,
फिर आ रहा है 4S पे, उसके बाद आ रहा है 4S के बाद आ रहा है 3D पे, ऐसा क्यों? तो इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया एक रूल ने, दैट रूल इज कॉल्ड बोहर्स बरी रूल। उस रूल को बोलते हैं बेटा बोहर्स बरी रूल। तो क्या कहना था बोहर्स बरी रूल का? बोहर्स बरीज रूल। तो इस रूल को हम जनरली एन प्लस एल रूल भी कहते हैं। तो इस रूल ने हमें दो कंसेप्ट समझाए कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग इस तरह जिगजैग लाइन की फॉर्म में क्यों की जाएगी। लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी तक जाना है तो पहले ऐसा भी हो सकता है कि 1s2 कि फिर पहले हम, फिर हम सेकेंड शेल के भरे, फिर हम थर्ड शेल के भरे, तो ऐसा क्यों हुआ कि पहले 4s भर दिया फिर 3d भरा, इस तरह की फीलिंग क्यों? तो ये चीज एन प्लस एल रूल के हिसाब से समझाई गई। कैसे? अगर मैं बात करूं सपोज 4s की, 4s के अंदर n इक्वल टू क्या है 4, l इक्वल टू क्या है 0, तो 4 प्लस 0 इनका सम कितना आ रहा है एन प्लस रूल में? एन 4s है तो 4s के केस में बेटा n की वैल्यू है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है हमारी यहां पर 4, और s की वैल्यू, s डेजिग्नेशन किसके लिए होता है? जीरो के लिए। तो एल की वैल्यू जीरो, तो 4 + 0 क्या आ रहा है मेरे पास 4। और या अगर मैं बात करूं यहीं पे 3D की, तो यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी है 3, और एल की वैल्यू डी के लिए कितनी होती है बेटा 2, तो 3 + 2 कितना आ रहा है 5, और 4s के केस में एन प्लस एल की वैल्यू कितनी आ रही थी 4। तो इसलिए अकॉर्डिंग टू बोहर्स बरी रूल 4s की फिलिंग पहले होगी, 4s ऑर्बिटल पहले भरा जाएगा, फिर 3D ऑर्बिटल फिल किया जाएगा। ठीक है, दिस इज द बोहर्स बरी रूल। ये हमारा फर्स्ट जो बोहर्स बरी ने अपना कंसेप्ट एक्सप्लेन किया कि वाई इलेक्ट्रॉन फिल लाइक दिस। इलेक्ट्रॉन को अगर आपने लो एनर्जी से हाई एनर्जी की तरफ फिल करना ही है, जितने भी हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर शेल है, न्यूक्लियस के पास शेल है, शेल कंटेन सब शेल, एंड सब शेल कंटेन, एंड द सब शेल कंटेन नंबर ऑफ, अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, और ऑर्बिटल्स में हम इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, तो पहले 1 के कंप्लीट करो, 2 के कंप्लीट करो, 3 के कंप्लीट करो, नहीं, पहले 4s के बाद 3d आ गया, ऐसा क्यों? तो उसके लिए हमारी सिंपल से बात एक बोहर्स बरी ने बताया, एन प्लस एल का रूल, एन प्लस एल का जो सम होगा, जिसका ज्यादा होगा वो पहले फिल किया जाएगा। दिस इज द फर्स्ट रूल ऑफ बोहर्स बरी। ठीक है, अगर मैं बात करूं सेकेंड रूल ऑफ बोहर्स बरी, बोहर्स बरी के सेकेंड रूल की अगर हम बात करें, तो बोहर्स बरी का बेटा जो सेकेंड रूल था, वो बोहर्स बरी का सेकेंड रूल ये था कि अगर सपोज मेरे पास है 2p और एक मेरे पास है 3s, तो 2p के केस में n की वैल्यू क्या है 2, l की वैल्यू कितनी है 1, तो 2 + 1 कितना आ रहा है 3, और अगर मैं बात करूं 3s की, n की वैल्यू कितनी है 3, एल की वैल्यू कितनी है 0, 3 + 0 कितना आ रहा है वही 3, वही आ रहा है। बट इन दिस केस 2p पहले भरा जा रहा है और 3s बाद में भरा जा रहा है। अगर दोनों की n प्लस एल का सम सेम है तो 2p को 3s से पहले क्यों भरा गया? इन दैट केस बोहर्स बरी ने एक्सप्लेन किया, हम क्या देखेंगे, हम n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू देखेंगे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग जो क्या एक्सप्लेन करते थे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें, शेल्स, तो शेल की वैल्यू किसकी छोटी आ रही है, n की वैल्यू किसकी स्मॉल आ रही है, लोएस्ट आ रही है 2p की। तो दोनों के केस में 2p और 3s के केस में सम तो 3 आ रहा है n प्लस l का, बट जो हमारी शेल है मतलब n की वैल्यू है वो 2p के केस में लोएस्ट है, तो उसे पहले भरा जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ बोहर्स बरी रूल। तो बोहर्स बरी हमें ये एक्सप्लेन करना चाह रहे थे बेटा कि वाई द इलेक्ट्रॉन फील लाइक इन द जिगजैग मोशन अकॉर्डिंग टू बोहर्स बरी रूल, एन प्लस एल रूल विल अप्लाई ऑन दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये हम मल्टी इलेक्ट्रॉन्स के लिए, जितने भी हमारे मल्टी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन को छोड़ के, हमने यही ये जो क्राइटेरिया है यही हमने फॉलो करना है। तो अगेन आई विल रिपीट द कंसेप्ट टू एक्सप्लेन यू अगेन दैट इलेक्ट्रॉन आर फिलिंग फ्रॉम लो एनर्जी लेवल टू हाई एनर्जी लेवल। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए आप दोबारा बना के देख सकते हैं, फर्स्टली 1s 2s 2p 3s 3p 3d ओके 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f तो इलेक्ट्रॉन को 6s 6p 6d 7s 7p तो इलेक्ट्रॉन को भरने का तरीका, पहले तो आप यहां एक इस तरह की लाइन लगाइए, उसके बाद आपने इस तरीके से जिगजैग फॉर्म में जाना है 1 2, इस तरह से इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होगी। ये ऑर्बिटल्स हैं और इनमें इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग इस तरीके से होगी, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन हमारे फिल किए जाएंगे। ठीक है, 3 6d के बाद 6f नहीं होगा, ये ऐसा कोई ऑर्बिटल नहीं है, और 7th हमारा जो रिप्रेजेंट कर रहा है शेल को 7s 7p
और ये 7 तक ही रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास बिकॉज हमारे इतने ही एलिमेंट्स अवेलेबल हैं, 118 एलिमेंट हमारी पीरियोडिक टेबल में अवेलेबल हैं, 7 पीरियड्स हैं, उन्हीं के बेसिस पे हमारी ये जो ये कंसेप्ट है, ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन फिलिंग का केस है, ये रिप्रेजेंट किया गया है उसी तरीके से कि इस 7 हमारे अगर पीरियड्स हैं तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग भी इतने ही हमारी इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं अकॉर्डिंग टू एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन अवर पीरियोडिक टेबल. फाइन. सो इस तरीके दिस इज द कंसेप्ट ऑफ हाफ बॉस. और हाफ बॉस की जो वो थी शॉर्ट कमिंग थी उसको कंप्लीट कर दिया बोहर्स बरी ने कि इस तरह की जिगजैग लाइन क्यों फॉलो की जा रही है. नेक्स्ट जो रूल आता है बेटा वो आता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल तो क्या एक्सप्लेन कर रहा है हमको ये प्रिंसिपल. एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई होते हैं. ये ऑलरेडी हम बात अपने क्वांटम नंबर्स कॉन्सेप्ट में पढ़ चुके हैं. तो इस टॉपिक को ये जो मैं आज टॉपिक रनिंग है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम, इससे पहले आप क्वांटम नंबर्स कॉन्सेप्ट को दोबारा से क्लियर कीजिए. ठीक है. तो व्हाट इज पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इन एन ऑर्बिटल मैक्सिमम ऑक्यूपेशन ऑफ ओनली 2 इलेक्ट्रॉन एंड द 2 इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव अपोजिट स्पिन बिकॉज यू नो दैट when the इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस द इलेक्ट्रॉन मूव इन ए clockwise डायरेक्शन एंड एंटी clockwise डायरेक्शन. फॉर ए clockwise डायरेक्शन वी रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉर्म ऑफ प्लस हाफ अपर स्पिन. एंड when the इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन द एंटी clockwise फॉर्म देन रिप्रेजेंटेशन इज माइनस हाफ दैट इज डाउनवर्ड एरो. फाइन. सो एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन होगी वो अपोजिट होगी. दिस इज द राइट कंसेप्ट. अगर मैं बात कर लूं बेटा हीलियम की, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है. तो जितना एटॉमिक नंबर है यू नो दैट एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो हीलियम के एटॉमिक नंबर 2 है और इलेक्ट्रॉन को फिल करना है तो कैसे करेंगे. अभी मैंने आपको इलेक्ट्रॉन को फिल करना बताया अकॉर्डिंग टू हाफ बॉस रूल. तो पहला हमारा शेल सबशेल क्या था इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए. सबशेल कंटेन ऑर्बिटल. यू नो दैट हमारा पहला था 1s. s इज द ऑर्बिटल और s ऑर्बिटल हैज ओनली 1 ऑर्बिटल एंड दैट कंटेन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ ओनली 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ द अपोजिट स्पिन. सो इलेक्ट्रॉन को भरने का तरीका हमारा ये रहेगा अपर हाफ एंड लोअर हाफ. अगर आपने इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को फिल किया या आपका गलत तरीका रहेगा इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए. और अगर आपने इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को फिल किया तो ये भी हमारा रॉन्ग होगा. तो एन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन. एक ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर सकता है एंड दीज मस्ट हैव अपोजिट स्पिन. उनकी स्पिन अपोजिट होनी चाहिए. एक सेम स्पिन के नहीं होने चाहिए, रिपल्शन कोज होगा. अपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन होने चाहिए एक ऑर्बिटल के अंदर. ठीक है. तो आपको पता है एस ऑर्बिटल को हम सिंगल बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बात ऑलरेडी. या फिर आप कुछ बुक्स में आपको इस तरीके से भी मिलेगा कि एक ऑर्बिटल ऐसे रिप्रेजेंट हो रहा है तो उसके पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं प्लस हाफ और माइनस हाफ अपर स्पिन और लोअर स्पिन का. दिस इज द कंसेप्ट ऑफ पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. और एक बात मैं आपको और बता देती हूँ बच्चे, आप ऐसे भी बता सकते हैं इस कंसेप्ट के अंदर, नो 2 इलेक्ट्रॉन हैव सेम क्वांटम नंबर. सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर आपको पता है कितने क्वांटम नंबर का मैंने सेट बताया था. 4 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर. तो अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आप ये भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. ये लैंग्वेज तो वैसे बहुत ईजी है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और दोनों की स्पिन अपोजिट होनी चाहिए, आपको याद हो गया. बट अगर ऐसा भी कुछ बुक्स में मेंशन है ऐसा भी आप लिख सकते हैं, एक ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो उनके क्वांटम नंबर सेम नहीं होंगे. अगर उनके क्वांटम नंबर सेम है तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे. कैसे. अब ये एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है बेटा. अब दोनों इलेक्ट्रॉन की बात करूं, एन इक्वल टू दोनों के एन की बात करें, दोनों के एल की बात करें, मैग्नेटिक की बात करें, स्पिन की बात करें, दोनों केसेस में तो हमारा एन क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. तो मेरे पास 1s था ना, मैं हीलियम की बात कर रही हूँ, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है तो कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 2. इसको फिल कैसे करेंगे, 1s. पहला मैंने अभी हाफ बॉस रूल में आपको पहला क्या बताई थी ग्राउंड स्टेट, आपको लोअर एनर्जी लेवल 1s से स्टार्ट था. उसमें कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं हीलियम के अंदर, हम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं. तो और उनका ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये इनकी ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन है अपर हाफ और लोअर हाफ. अब मुझे बताओ एन, ये बेटा जो 1 होता है ये एन को रिप्रेजेंट करता है, मतलब यहाँ पर ये शेल है तो दोनों केस में 1 1 है.
एल की वैल्यू एस के लिए कितनी होती है, ऑलरेडी बता रखा है जीरो है दोनों केस में। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है एस, एस के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जीरो होता है, एस के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जीरो होता है। पी के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मैंने कितना बताया था, पी के लिए माइनस वन जीरो प्लस वन आपको याद है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एस के लिए हमेशा जीरो होता है। और अब है एस स्पिन क्वांटम नंबर की बात करूं, स्पिन क्वांटम नंबर एक अपर हाफ है एक लोअर हाफ, एक तो प्लस हाफ है और एक माइनस हाफ है। तो आपने क्या देखा, चारों जो क्वांटम नंबर का सेट था वो दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए सेम नहीं है, ठीक है। तो अगर एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं तो उनका जो सेट ऑफ फोर क्वांटम नंबर है वो क्या होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। दिस इज द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, फाइन। तो व्हाट इज पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इन एन ऑर्बिटल इफ ऑर्बिटल इन एन ऑर्बिटल वन ऑर्बिटल हैव ए कैपेसिटी ऑफ ऑक्यूपाई ओनली टू इलेक्ट्रॉन, द टू इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव अपोजिट स्पिन, ठीक है, लाइक दिस। अगर इस तरह से आप कभी भी ऑर्बिटल प्रेजेंटेशन शो नहीं करेंगे, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ पॉली। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो व्हाट इज अकॉर्डिंग टू हंट्स रूल, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग विल नॉट टेक्स प्लेस इन ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी अंटिल ईच ऑर्बिटल इज सिंगली फिल्ड। क्या मतलब है बेटा, इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं ऑक्सीजन का और नाइट्रोजन का, ठीक है। तो पहले मैं एक नाइट्रोजन का एग्जांपल ले रही हूँ। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है बेटा 7, हमें पता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 7 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, और ये इलेक्ट्रॉन भरने के लिए आप लोगों को मैंने हाफ बाउ प्रिंसिपल बताया, फ्रॉम लो एनर्जी लेवल टू हाई एनर्जी लेवल। और लो एनर्जी लेवल मेरा क्या था, नाइट्रोजन के केस से स्टार्टिंग कहां से हुई है, 1s, और s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 2s में कितने आ सकते हैं, 2, और 2p में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बेटा, 3, ठीक है। तो आप एक बार जिगजग लाइन, वो जिगजग लाइन जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको सिखाई अकॉर्डिंग टू हाउबर्स रूल, फिलिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑन द इन केस ऑफ ए मल्टी इलेक्ट्रॉन केस के अंदर इलेक्ट्रॉन को कैसे भरा जाता है, तो पहला था 1s, फिर था 2s, वो जिगजग लाइन में देखिए नोट करिए 2p, ठीक है। तो मैक्सिमम ऑक्यूपेशन है एस के केस में 2 इलेक्ट्रॉन की, बिकॉज वो एक सिंगल ऑर्बिटल है, दोनों केस में यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। पी के केस में 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो 3 ऑर्बिटल मींस 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करने की कैपेसिटी है। तो हंट्स रूल में ये कह रहा है, सिर्फ लास्ट ही ऑर्बिटल को हम देख के इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि पी है, ये पी की रिप्रेजेंटेशन है बेटा। तो पी के केस में वो ये कह रहा है कि अगर इलेक्ट्रॉन को भरना है तो पहले सिंगल सिंगल फिल किया जाएगा, ठीक है, फिर आप इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कर सकते हैं, आप इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को फिल नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर आपने ऐसे किया कि पहले ये पहला ही ऑर्बिटल पी कर पी ऑर्बिटल पी अगर मैं बात करूं पी सब शेल कंटेन 3 ऑर्बिटल, पी सब शेल कंटेन 3 ऑर्बिटल्स, ईच ऑर्बिटल हैव ए कैपेसिटी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो आपने कभी भी इलेक्ट्रॉन को ऐसा नहीं है कि पहले आपने डायरेक्ट पहले ही ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन भर दिए, नहीं, आप यू हैव ओनली 3 इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्यूपाई फर्स्टली ऑक्यूपाई द फर्स्ट ऑर्बिटल, नहीं ऐसा नहीं। सबसे पहले आप ईच ऑर्बिटल मस्ट बी सिंगली फिल्ड एंड यू इफ यू हैव मोर इलेक्ट्रॉन देन पेयरिंग विल टेक्स प्लेस देन पेयर्ड अप, फाइन। सो अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन के अलावा, यही मैं बात कर लू ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर बेटा 8 है, वही हाउबर्स रूल के अकॉर्डिंग 1s2 2s2 2p क्या हो जाएगा 4, पी ऑर्बिटल में पी शेल के अंदर सब शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल है 3, ईच ऑर्बिटल मस्ट बी सिंगली फिल्ड, अभी भी आपके पास 4 है, तो पहले आप सिंगल 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 फिल करिए तब आप पेयरिंग करेंगे, ये आपका करेक्ट तरीका है इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल्स को ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन को फिल करना। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो साइड बाय साइड आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सीख जाएंगे, ठीक है। और अगर आपने इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को फिल किया, इस तरीके से 4 इलेक्ट्रॉन आपके पास, आपने दोनों में पेयरिंग कर दी, तो ये हंट्स के अकॉर्डिंग हंट्स रूल के अकॉर्डिंग ये हमारा एक करेक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो व्हाट इज हंट्स रूल, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयरिंग विल नॉट टेक्स प्लेस इन एन ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी, ये एनर्जी सेम एनर्जी के हैं, ये पी 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 एक्स पी वाई पी जेड डिजर्नेट ऑर्बिटल्स कौन से बताए थे मैंने, विच हैव सेम एनर्जी लेवल, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस इलेक्ट्रॉन पेयरिंग विल नॉट टेक्स प्लेस ऑफ द इन केस ऑफ ए सेम एनर्जी अंटिल
सेम एनर्जी ऑर्बिटल अंटिल ईच ऑर्बिटल इज सिंगली फिल्ड. सबसे पहले आप उसे सिंगल फिल करेंगे और आपके पास सिंगल फिल करने के बाद भी अगर इलेक्ट्रॉन बचता है देन पेयरिंग विल टेक्स प्लेस, पेयरिंग विल अकर. ठीक है, अब डायरेक्ट स्टार्टिंग से ही ऑर्बिटल्स में पेयरिंग नहीं शो नहीं करेंगे. ठीक है, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ हंस रूल. फाइन, तो अभी हमने पढ़े तीन प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के कंसेप्ट को समझने के लिए. तो पहला प्रिंसिपल था हमारा हाफ बाउ प्रिंसिपल, जो हमें ये बताता था कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग फ्रॉम लो एनर्जी लेवल टू हाई एनर्जी लेवल तक चलती है. उसमें कुछ जो शॉर्टकमिंग्स आई उसको ओवरकम किया, उसको एक्सप्लेन किया बोहर्सबरी ने. ठीक है, और फिर हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल आया दैट इज पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. उन्होंने हमें बताया कि एक ऑर्बिटल में अगर दो इलेक्ट्रॉन होंगे तो अपोजिट स्पिन के होंगे. ठीक है, थर्ड आए पोली हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी. तो इस कंसेप्ट ने हमें ये बताया अगर कोई ऑर्बिटल है और द ऑर्बिटल हैव सेम एनर्जी लेवल तो उस ऑर्बिटल में सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉन को जब भी फिल करेंगे तो अगर वो सेम एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल्स हैं तो हर ऑर्बिटल को आप पहले सिंगल सिंगल फिल्ड करेंगे. आप पेयरिंग तब तक नहीं करेंगे जब तक अगर तीन ऑर्बिटल हैं सेम एनर्जी के तो वो तीनों सिंगल सिंगल फिल हो जाने चाहिए, उसके बाद पेयरिंग विल टेक्स प्लेस. ठीक है, तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ हंट्स रूल. सो ऑन द बेसिस ऑफ दीज थ्री कंसेप्ट वी विल स्टडी अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ सम एलिमेंट्स. सो now we will start the electronic configuration of some elements. so firstly we will take from hydrogen, hum elements le rahe hain hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon. pehle hum sirf 10 tak karte hain. to helium ka atomic number 1 hai, representation is 1s1. s mein maximum 2 electron aa sakte hain beta, but hydrogen has only वन एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो वन एस वन. एंड हीलियम कंटेन टू इलेक्ट्रॉन, वन एस टू. इट इज अ करेक्ट रिप्रेजेंटेशन. और यू मस्ट रिमेम्बर हीलियम इज अ नोबल गैस. हीलियम एक नोबल गैस है. तो एक शॉर्ट तरीका मैं आपको सिखाऊंगी ऑन द बेसिस ऑफ नोबल गैसेस. अगर लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, इसको फिल करने का तरीका एक्चुअली क्या है, 3 है तो एस में तो 2 ही आ सकते हैं, 1s2. अब आप उस जिगजैग लाइन की पे चले जाइए वापस से. मैं आपको एक बार बता दूं, 1s अगेन आई विल रिपीट, 1s 2s 2p 3s 3p 3d. इस साल इस इन द 11th स्टैंडर्ड जितना आपका यूज आ रहा है अभी हम उतनी ही बात कर लेते हैं. 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f यहीं तक बात करते हैं. तो देखो ये आपने इस तरह की लाइन लगानी है. अगेन आई विल रिपीट, एंड इन दिस वे यू फिल द इलेक्ट्रॉन. जिगजैग मोशन में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग रिप्रेजेंट करनी. तो 1s के बाद क्या आया बेटा, 2s. s कंटेन वन ऑर्बिटल हैव ए कैपेसिटी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन. 2s के बाद क्या आया, 2p. तो अभी बात करते हैं s में 2 आ गए और फिर इसके पास टोटल 3 ही इलेक्ट्रॉन है तो 2 तो आ गए, 2 तो हमने ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया, बचा कितना, 1. तो इस तरह से हम लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अब ये जो लिथियम की रिप्रेजेंटेशन है ना बेटा, लिथियम 3 एटॉमिक नंबर, आप इसे इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हीलियम और लास्ट में कर दीजिए 2s1. आपको पता है हीलियम की कितनी होती है, हीलियम की होती है 1s2. तो आप हीलियम लिख देंगे वो अल्टीमेटली अंडरस्टूड है कि 2 और 1 3. तो लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखने का तरीका अभी मैंने आपको बता दिया, जैसे आप पहले करते थे इन द प्रीवियस क्लासेस 2881. उस तरह का कंसेप्ट अभी हमने फॉलो नहीं करना है KLMN की फॉर्म में. वो हमारा कुछ हद तक ही हमारा यूज में आएगा, बट बिसाइड दिस आपको इन द हायर क्लासेस या कॉम्पिटेटिव लेवल की बात करें तो आपको ये कंसेप्ट इन द 11th 12th आपको ये कंसेप्ट अप्लाई करना है ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. जो कंसेप्ट हमें किसकी हेल्प से आया, जब तक आपको क्वांटम नंबर्स के बारे में पता नहीं होगा डिटेल में, तो क्वांटम नंबर की हेल्प से हमारा ये कंसेप्ट हमें डिटेल में समझ आएगा. तो 1s2 2s1, फिर आइए बेरिलियम 4, 1s2 2s2, 4 हो गए. 5 की बात करें बोरोन, 1s2 2s2 2p1. s में 2, 1s में 2, 2s में 2, फिर चले गए 2p पर. 2p में 1 क्यों दिखाया, 2p में 1 से दिखाया क्योंकि बोरोन के पास 5 ही इलेक्ट्रॉन थे. तो एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 2 और 1 हो गए 5. नेक्स्ट आ जाइए कार्बन पे. तो कार्बन का केस क्या रहेगा बेटा, कार्बन के लिए रहेगा हमारा 1s2 2s2 2p2 हो गए 6, 6 होता है. हाइड्रोजन का क्या रहेगा, 1s2 2s2 2p3. ठीक है, और ये बात मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ,
अकॉर्डिंग टू हंस रूल ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी लेवल फर्स्टली फिल सिंगली, हमेशा सिंगल सिंगल फिल किए जाते हैं कभी भी कहीं भी किसी कंसेप्ट में हमें ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ये हमारी नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और अगर मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दूं इसको तो ये मेरी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है ये? ऑर्बिटल। तो अभी मैंने लिखा एक बॉक्स बनाया एस के लिए, आपको पता है एक ही ऑर्बिटल रिप्रेजेंट होता है तो कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? दो। टू एस में भी एस के लिए कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? दो। और पी के केस में कितने ऑर्बिटल आ गए मेरे पास? तीन। और वन 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 ऐसा क्यों फिल किया? दिस इज द रूल ऑफ हंस। तो हंस रूल के अकॉर्डिंग हमने उसे सिंगली ऑक्यूपाई किया और हंस रूल के अकॉर्डिंग जितना कोई ऑर्बिटल सिंगली ऑक्यूपाई होता है दैट गेन मैक्सिमम स्टेबिलिटी ऑल्सो बिकॉज ऑफ द एनर्जी एक्सचेंज and symmetry is high in this type of a concept. So next oxygen के लिए बात करें तो 1s2, 2s2, 2p4. अब p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? p के अंदर p has maximum 3 orbital and 1 orbital carry 2 electron then 3 orbital carry 6 electron. So maximum capacity of the 6 electron in case of a p orbital, but in that case oxygen atomic number is 8. So 2 2 plus 4, कितने electrons हो गए यहाँ? 8. ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए फ्लोरीन के लिए। फ्लोरीन के लिए 1s2, 2s2, 2p5। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए नियोन के लिए। नियोन का एटॉमिक नंबर बेटा होता है 10, तो 1s2, 2s2, 2p6, 2, 2 और 6। अब क्या हो गया? अब इसमें p में और इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, अभी हमें आ जाना पड़ेगा आगे। अब वो आप मेरे को बताइए, 1s के बाद मैंने 2s रिप्रेजेंट किया था, 2s के बाद 2p, 2p के बाद क्या रिप्रेजेंट किया था? जिगजैग लाइन के अकॉर्डिंग 2p के बाद है 3s, फिर एस आ गया। एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? दो। तो नियोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिए, 1s2, 2s2, 2p6। तो आप ये बात हमेशा याद रखेंगे, जब हमारी जैसे मैंने बात करी हीलियम की, हीलियम कहां कहां तक रिप्रेजेंट कर सकते थे? लिथियम से लेकर फ्लोरिन तक हम हीलियम को रिप्रेजेंट कर सकते थे। कहां पर? जहां मैंने 1s2 लिखा है वहां पर आप हीलियम भी लिख सकते हैं। कहां से कहां तक अप्लाई कर सकते हैं आप ये बात? लिथियम से लेकर फ्लोरीन तक आप जहां मैंने 1s2 लिखा है वहां अगर आप हीलियम भी लिखते हैं तो भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट है। ठीक है, तो ये हमने स्टडी की फ्रॉम एटॉमिक नंबर 1 हाइड्रोजन, फ्रॉम टू एटॉमिक नंबर 10 अप टू नियोन तक। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फ्रॉम एटॉमिक नंबर 11। अब हम बात करते हैं सोडियम, दैट इज एटॉमिक नंबर 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14, उसके बाद हम बात करते हैं मेटा सिलिकन के बाद फोस्फोरस, उसके बाद हमारे पास आ जाता है सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, देन पोटेशियम, देन कैल्शियम। ठीक है, तो सोडियम की बात करें बेटा कितना है? 11। तो स्टार्टिंग करिए, वही बार बार जिगजैग लाइन ड्रॉ करिए, 1s2, 2s2, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f। तो ये देखिए, ये देख कर देखिए किस तरीके से आपने रिप्रेजेंटेशन करनी है, और ऐसे फिलिंग देखिए, 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p, 3p के पास 4s। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को फिल करने का तरीका है ये। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है, दिस इज द रूल ऑफ लो एनर्जी लेवल टू हाई एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी ऑर्बिटल्स में, दिस इज द रूल ऑफ हॉफबर्ग, और इनकी शॉर्टकमिंग किसने एक्सप्लेन करी थी? पोहर्सबरी ने, जो कि 2p के बाद 3s क्यों आएगा, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, 3s के बाद 3p क्यों आएगा, 3p के बाद 4s क्यों आएगा, क्या रीजन है इस तरह की इलेक्ट्रॉन की फिलिंग का, दैट एक्सप्लेन बाय पोहर्सबरी, यू नो दैट। सो सोडियम की बात करें तो 11 कितना हो गया बेटा? 1s2, 2s2, 2p में कितने हो गए? 6 से ज्यादा नहीं आ सकते, तो p के बाद कितना आ रहा है? 3s, तो s में मैक्सिमम 1 हो गया। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सोडियम की। तो 1s2, 2s2, 2p6, और आपने अभी ये देखिए किसकी थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2, 2s2, 2p6 किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी? नियॉन की। तो आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस इज ऑल्सो ए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। ठीक है, कि एन एन ई नियॉन मतलब 10 हो गए और 3s1 हो गया तो कितने हो गए? 11। तो सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूं तो आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, नियोन के कितने हो गए इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 10 10, और यहां पर 2 हो गए 12, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर आपको पता है 12 है। नेक्स्ट आ जाइए एल्यूमिनियम का, कितना हो गया बेटा? नियोन 3s2, अब कितने हो गए? 10 और 2 12 हो गए। अब 3s के बाद क्या आ जाता है बेटा अगला? 3p, तो 3p में चले जाएंगे, 3p1।
ठीक है, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एल्यूमिनियम। सिलिकॉन की बात करें, नियॉन 3s2 3p2, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ सिलिकॉन। और अगर आप चाहें नियॉन नहीं लिखना आपको, तो आप पूरा लिखिए 1s2 2s2 2p6, ठीक है, उसके बाद 3s2 3p2, इन दिस वे वी रिप्रेजेंट द सिलिकॉन एटॉमिक नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स, हम इस तरीके से फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है बेटा हमारे पास फॉस्फोरस, दैट एटॉमिक नंबर इज 15, तो नियॉन 3s2 काउंट करते चलिए, नियॉन का 10 और 3s2 में s में 2, कितने हो गए 12 12, और 3p में 3, p में कैपेसिटी है 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई होने की, तो यहाँ हो गए मेरे पास 15 फॉस्फोरस। सल्फर के केस में क्या हो सकता है बेटा, नियॉन 3s2 3p में कितने हो गए मैक्सिमम 4, ठीक है, तो हो गया सल्फर की रिप्रेजेंटेशन। देन आ जाता है मेरे पास नियॉन 3s2 और 3p में कितने आ गए बेटा 5 हो गए। नेक्स्ट आ जाता है नियॉन 3s2 और 3p में 6, अब p में और इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, तो दिस इज द नियॉन 3s2 3p6, तो नियॉन में 10 इलेक्ट्रॉन और 2 12 और 6 18, तो 18 इलेक्ट्रॉन, दिस इज द इलेक्ट्रो 18 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ आर्गन, एंड आर्गन इज ऑल्सो ए नोबल गैस। तो पहले मैंने नोबल गैस क्या बताई थी, हीलियम, हीलियम को अगर आपने रिप्रेजेंट करना है तो आप लिथियम से लेकर फ्लोरीन तक रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपने नियॉन को रिप्रेजेंट करना है वो आप एटॉमिक नंबर 11 सोडियम से लेकर आप लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, क्लोरीन तक और आर्गन तक रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज द कॉन्फिगरेशन ऑफ दिस इज द कॉन्फिग, या बेटर है आप इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लीजिए आर्गन को, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ आर्गन। फाइन, सो आर्गन के बाद आ जाता है बेटा हमारे पास पोटेशियम, तो पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप आर्गन लिख सकते हैं, आर्गन एटॉमिक नंबर 18। और अब 3p6 के बाद आता है बेटा आपकी जिगजग, जो आपने अभी एक डायग्राम बनाया था फ्रॉम लो एनर्जी लेवल टू हाई एनर्जी लेवल का, उसमें आ जाता है 4s1। अब कैल्शियम में आ जाता है बेटा आर्गन 4s2, तो आर्गन का 18 18 और 2 20, इन दिस वे वी रिप्रेजेंट द कैल्शियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। कैल्शियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं फ्रॉम एटॉमिक, यहां तक तो आपको एटॉमिक नंबर बेटा आप प्रीवियस क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, बट फ्रॉम एटॉमिक नंबर 21 दैट इज स्कैंडियम टू द जिंक, उसकी स्टडी आपको बहुत अच्छे से करनी है, बिकॉज फ्रॉम जिंक टू स्कैंडियम, वो स्कैंडियम टू जिंक की अगर मैं बात करूं तो इन द 12th स्टैंडर्ड इसके इस पे बेस्ड काफी चैप्टर्स हैं हमारे, डी ब्लॉक चैप्टर है ये, इससे रिलेटेड हमारी काफी स्टडी हमें करनी है, तो इसलिए आपको ये जो 21 से 30 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है ये आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक, दीज आर द 10 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटॉमिक नंबर 21 to 30। फाइन, तो दिस इज स्कैंडियम, तो अभी आपने यूज किया था आर्गन, 4s क्या यूज किया था 2, 4s के बाद क्या आता है बेटा 3d, 4s के बाद क्या आता है 3d, तो 3d1, फिर क्या आता है बच्चे 4s2 3d। डी ऑर्बिटल को मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ, डी में बेटा होते हैं, ये मैंने आपको डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं ये मैंने आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में निकालना सिखाया था, तो डी में अकॉर्डिंग टू 2l+1 रूल, एल की वैल्यू डी के लिए 2 होती है, तो आपको पता है 2 × 2+1 आपने कितने ऑर्बिटल निकाले थे बेटा 5। इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, मैंने आपको इनके नाम भी बताए हैं, इनकी शेप्स भी एक्सप्लेन करी हैं, dxy, dyz, dzx, dx2, y2, dz2, तो 5 हमारे ऑर्बिटल हैं डी के अंदर आपको पता है, और मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 1 ऑर्बिटल कैरी 2 इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स 5 ऑर्बिटल कैरी 10 इलेक्ट्रॉन इन द डी ऑर्बिटल केस। सो अब हम बात करें बच्चे इनकी, तो 4s आपने भरा, उसके बाद हम बात कर रहे हैं 3d की, तो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आर्गन, अगर हमने करना है तो 4s2 3d क्या हो गया मेरे पास 3, ठीक है। अगर आ जाता है आर्गन 4s है, 3d कितना हो गया बेटा हमारे पास, यहाँ पर 4 होना चाहिए था, है ना, यही होना चाहिए था, 2 आने के बाद यहाँ पर हमने ये पढ़ लिया था, हमने आर्गन 18 18 और 2 20 20 और 1 21, तो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 है, राइट, अकॉर्डिंग टू जिगजैग लाइन हमारे 4s के बाद 3d आता है, तो उसके बाद अगर टाइटेनियम का 22 है तो 2 और 2 22,
वैनेडियम का 23 है, 2 और 3 23, क्रोमियम का 24 है तो 2 और 4 24, बट ऐसा नहीं होता, दिस इज एक्सेप्शन. बेटा क्रोमियम एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन है. एक्चुअली क्रोमियम में क्या होता है, एटॉमिक नंबर 24 होता है. तो मैंने भी आपको नोबल गैस की फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी सिखाई है, तो आप लिख सकते हैं आर्गन 4s1 3d5. अब ऐसा क्यों कि 4s1 3d5, ठीक है? तो ऐसा इसलिए होता है बच्चे कि डी ऑर्बिटल के केस में ऐसा क्यों है बेटा, ऐसा इसलिए हमारा रिप्रेजेंट किया जाता है क्योंकि डी ऑर्बिटल के केस में 5 ऑर्बिटल है, डी के केस में 5 ऑर्बिटल है और ईच ऑर्बिटल कैरी 1 1 इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू हंट्स रूल. और एक एक इलेक्ट्रॉन होगा दैट रिप्रेजेंट एक्जेक्टली हाफ फील्ड, और एक्जेक्टली हाफ फील्ड ऑर्बिटल जो होते हैं दैट शो द मोर सिमेट्री, एंड ड्यू टू दिस सिमेट्री, परफेक्ट सिमेट्री के कारण ये ज्यादा स्टेबल स्टेट है. आप क्रोमियम को ऐसे नहीं लिखेंगे कि क्रोमियम हमने लिख लिया 24 है, तो अभी मैंने आपको बताया 4s2 कितना हो गया 18 और 2 हो गया 20, तो 24 इसका है, तो आप 3d का 4 लिख लीजिए. नहीं, 4s ऑर्बिटल अपना एक इलेक्ट्रॉन 3d को शेयरिंग में दे देता है, कंट्रीब्यूशन में दे देता है, या दे देता है, रिलीज करता है. ऐसा क्यों? क्योंकि डी स्टेट, डी ऑर्बिटल, डी के अंदर 5 ऑर्बिटल रिप्रेजेंट हो रहे हैं. अगर सभी एक एक इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करेंगे दैट इज कॉल्ड एग्जैक्टली हाफ फील्ड नेचर, एंड दैट शो मैक्सिमम स्टेबिलिटी टू, सो टू बिकम मोर स्टेबल क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन स्टेट जो होती है वो 2 4 ना होकर इस तरीके से रिप्रेजेंट की जाती है. 1 एक इलेक्ट्रॉन 4s से डी के अंदर ट्रांसफर होता है, 2 रिप्रेजेंट मोर सिमेट्री. तो अगर आपसे कभी पूछा जाए व्हाई क्रोमियम शो दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, तो आपका आंसर रहेगा ड्यू टू हाफ फील्ड स्टेबिलिटी, ठीक है, ड्यू टू मोर सिमेट्री इन केस ऑफ क्रोमियम व्हेन द 3d ऑर्बिटल कैरी 5 इलेक्ट्रॉन इंस्टेड ऑफ 4, ठीक है. तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, क्रोमियम इज एक्सेप्शन. मैंने यहाँ स्टार लगा दिया है, ये ध्यान में रखना है आपको, क्रोमियम के केस में ऐसा नहीं होता. एक इलेक्ट्रॉन 4s में कम होता है, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन 3d को कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है Mn का, तो Mn में भी वही आर्गन, वो बाकी सिंपल है, 4s2, 3d में वही बेटा कितने हो जाएंगे 5, है ना, 25 है इसका, तो 2 5 25 हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है हमारा आयरन के लिए, आयरन के लिए आ जाता है आर्गन 4s2 3d कितना हो गया बेटा हमारे पास, 4s2 3d कितना हो गया 6 हो गया. आर्गन 4s2 3d कितना हो गया, यहाँ पर हमारे पास 3d हो जाता है 7, या आर्गन 4s2 3d कितना हो गया 8, या आर्गन 4s2 3d हम सोच रहे हैं 9 होगा, 29 इसका एटॉमिक नंबर है, हम सोच रहे हैं 9 होगा, बट वही बात आ गई, डी ऑर्बिटल के अंदर, डी सबशेल के अंदर बात करूं तो मैं 5 ऑर्बिटल आते हैं और 5 ऑर्बिटल की कैपेसिटी होती है 10 इलेक्ट्रॉन को ऑक्यूपाई करने की. तो 10 इलेक्ट्रॉन कब ऑक्यूपाई होंगे, जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो हमारे पास एक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी क्रोमियम की, वो कॉपर की, आर्गन, वो आर्गन 4s1 3d10, ठीक है. और डी के अंदर इस तरीके से अगर हम ऐसे करेंगे तो डी के अंदर कितने हो जाएंगे, 5 ऑर्बिटल डी में होते हैं और सभी के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जिसके कारण वो हो जाएगा एक्जेक्टली फुली फिल्ड, और एक्जेक्टली फुली फिल्ड शो द मैक्सिमम स्टेबिलिटी मोर सिमेट्री. सो कॉपर, मैं यहां पर भी स्टार लगा रही हूं, तो क्रोमियम के, कॉपर के केस में और क्रोमियम के केस में यहां पर एक्सेप्शन है. यहां पर 4s में दोनों केस में 1 1 है इंस्टेड ऑफ 2. 4s अपना एक इलेक्ट्रॉन 3d को दे रहा है, यहां पर क्यों दिया, 2 गेट इसको क्या करने के लिए, एक्जेक्टली हाफ फील्ड बनाने के लिए. और यहाँ पे 4s अपना एक इलेक्ट्रॉन 3d9 था, उसमें अपना एक इलेक्ट्रॉन क्यों शेयर कर रहा है, डोनेट कर रहा है, क्यों, बिकॉज ताकि 3d में 10 इलेक्ट्रॉन हो सके, और 10 इलेक्ट्रॉन मीन्स मैक्सिमम और फुली फील्ड स्टेबिलिटी, और फुली फील्ड होगा तो मोर सिमेट्री होगी, मोर स्टेबिलिटी होगी, दैट्स व्हाई कॉपर और क्रोमियम बोथ आर एक्सेप्शन हियर, और ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है. सो लास्ट वन इज जिंक, जिंक एटॉमिक नंबर 30 है बेटा, तो आर्गन 3d, यहां पर क्या हो गया मेरे पास 4s, 4s के बाद क्या था मेरे पास 3d, तो यहां पर क्या था, कितना आ गया यहां पर 10, तो 18, आर्गन का 18 और 2 20 20 और 2 20 और 10 30, तो जिंक का एटॉमिक नंबर है 30, फाइन. तो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रॉम एटॉमिक नंबर 1 to atomic number 30. इसके अलावा भी बहुत सी बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की रिप्रेजेंटेशन है जो आपके सिलेबस में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है, बट इन द 11th स्टैंडर्ड आपको मिनिमम इतना पता होना चाहिए फ्रॉम एटॉमिक नंबर 1 to atomic number 30.
एक बात मैं और आपको यहाँ क्लियर कर दूं बच्चे, सपोज आप लोगों को कभी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दी जाए कि आयरन का 2 पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए, अब उससे पहले आपको पता होनी चाहिए आयरन की, और आयरन की भी मैं आपको बताऊं तो आयरन की मैंने अभी आपको बताई, आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है, तो आर्गन 4s2 3d6, तो कभी भी अगर इलेक्ट्रॉन आपको रिमूव करना है तो इलेक्ट्रॉन रिमूव हमेशा 4s स्टेट में से होते हैं पहले, फिर जाकर 3d में से रिमूव होते हैं, डायरेक्ट पहले 3d में से कभी इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट रिमूव नहीं होते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन आएगी वो ये आएगी, 3d तो 6 ही रहेगा, 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं वो, अब जो शेल है वो थर्ड शेल पहले है, फोर्थ शेल पीछे है, बट अलग बात है कि इलेक्ट्रॉन जो फिल करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है तो जो 4s होता है, जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं तो 4s पहले फिल किया जाता है, बट अगर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की बात आएगी तो लास्ट, तो आपको पता है न्यूक्लियस के पास अगर मेरे पास 4 शेल है तो 4th शेल में से इलेक्ट्रॉन पहले निकलेगा, तो मेरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगी 3d6 4s0, ठीक है। तो आयंस के केस में भी आपको पता होना चाहिए, अगर आयंस के केस में, और मेटल क्या चार्ज कैरी करते हैं, पॉजिटिव, और पॉजिटिव चार्ज कैरी कब करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, और इलेक्ट्रॉन को लॉस कहां से करेंगे, तो आप याद रखना 4s स्टेट में से इलेक्ट्रॉन को, 4s ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन को पहले रिमूव किया जाएगा, फिर रिमूव किया जाएगा 3d स्टेट में से, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, तो प्रैक्टिस करिए आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टॉपिक की, सो डू योर वर्क इन ए परफेक्ट वे एंड रेगुलरली, एंड सो आजकल जो भी जितना भी मैंने कंसेप्ट आपको बताया है उसे दोबारा से जब आप इसे देखेंगे, तो उससे पहले आप क्वांटम नंबर का टॉपिक दोबारा रिवाइज कीजिए, दिस इज फॉर बेटर फॉर यू, ओके। सो डू योर वर्क रेगुलरली।